तो कितनी लाजवाब बनी हमारी ये भिंडी और आलू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी आलू की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम भिंडी लिया है, इस प्रकार की शेप में काटा है, एक प्याज बड़ी साइज़ का, एक बड़ी साइज़ का आलू लिया है, आलू को कुछ इस प्रकार के शेप में हमने काटा है, भिंडी के आसपास के शेप का ही। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। तेल हमने लगभग 2 से 2.5 चम्मच डाला है, बड़ी चम्मच। तो तेल को हम थोड़ा सा फैला देंगे, उसके बाद हम पहले आलू डालेंगे और आलू डाल के हम इसे लगभग 70% तक आलू को पका लेंगे, लगभग हम पका ही लेंगे, थोड़ा सा इसे कच्चापन रखेंगे इसका। तो इसके लिए हमने इसे चला के इसे कवर करके पकाया है, क्योंकि आलू थोड़ा सा पकने में समय लेता है भिंडी की अपेक्षा, तो हमने कवर करके ये पकाया है। तो उसके बाद हम ढक्कन हटा के इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इसे एक बार से दो बार कवर करके आप पकाएंगे, या तो एक बार भी कवर करके आप इसे थोड़ी देर ऐसे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आलू लगभग 70% पक गया है, देखिए इस पर कलर भी आ गया है, हल्का ब्राउन भी हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे भिंडी डालेंगे, हमने जो भिंडी काटा था, तो भिंडी का कुछ इस प्रकार का शेप है, 1/2 इंच के आसपास में भिंडी का शेप हमने काटा है लंबाई। तो इस प्रकार से आप काटें तो इस प्रकार के आलू और भिंडी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। ऐसे आप शेप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, हमने इस प्रकार का शेप इसलिए रखा है क्योंकि आलू का शेप भी हमने लगभग इसी प्रकार के साइज का रखा है, तो थोड़ा देखने में भी बढ़िया लगे। तो अब हम इस स्टेज पे 1 चम्मच राई और 2 से 3 सूखी मिर्च हम यहाँ पर डाल के इसे मिलाएंगे। अब बोलेंगे कि आप बाद में क्यों डाले आपने, तो इसीलिए हमने, क्योंकि सूखी सब्जी हम बना रहे हैं, सूखी सब्जी बनाने में हम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि शुरू में डालने से क्या है ना, वो ज़्यादा जल जाता है हमारा ये मिर्च और राई, तो उसका फिर टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके बीच में ही डाला है। तो इसी स्टेज पर हम प्याज को भी डालेंगे, प्याज में भी हम शुरू में इसलिए नहीं डाले क्योंकि प्याज बहुत ही जल्दी पक जाता है, तो प्याज को भी हम लास्ट में यहाँ पे हमने ऐड किया है, ताकि हमारा आलू भिंडी पकने के बाद प्याज पके। तो इन सारे को हम इस प्रकार से डाल के मिला के हम इसे 1 से 2 बार हम इसे कवर करके पकाएंगे, उसके बाद हम ज़्यादा समय हम इसे बिना कवर किए पकाएंगे, ताकि इसमें जो क्रंचीनेस आएगा वो अच्छे से आएगा। तो कवर करने से क्या है ना कि इसमें थोड़े वाष्प आ जाता है, इसमें पानी हो जाता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा इसे कवर करके नहीं पकाएंगे क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं। तो 1 से 2 बार हम कवर करके इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे बगैर ढके इसे पकाएंगे। तो इस प्रकार से आप 1 से 2 मिनट में चलाते रहेंगे, फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू लो कर देंगे, ज़्यादा लो भी नहीं और मीडियम के आसपास रखेंगे। तो इस प्रकार से बारी बारी से आप देखिए हमारा अच्छे से ये पक भी गया है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले भी हमने बिल्कुल बारीक मसाले थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया है, मसाला इसमें ज़्यादा नहीं देना है। आप भिंडी को तो बगैर मसाले का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आलू के साथ इसे मिलाया था, थोड़ी सी हम मसाला डाल के और नमक भी यहाँ पे हमने डाला है, और इन सबको डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, भिंडी को बहुत जगह ओकरा भी बोलते हैं, हम लोग तो यहाँ पे भिंडी ही बोलते हैं, इसे ओकरा भी बोलते हैं। तो सारे मसाले को हम डाल के हम एक बार यहाँ पे कवर कर लेंगे और फ्लेम को लो ही करके रखेंगे, क्योंकि मसाले डालने के बाद मसाले जलने लगेंगे, इसीलिए फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए लो करने के बाद हमारा जो है भिंडी कुछ मॉइस्चराइज हो गया है, कुछ इसमें पानी हल्का सा सॉफ्टनेस हो जाता है ये। तो देखिए अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो इसे ढक्कन हटाने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे और इसे इस प्रकार से चलाते रहेंगे। तो भिंडी और आलू की ये सूखी सब्जी हमारी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे सर्व के लिए निकालते हैं।
तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी, बिल्कुल है ना लाजवाब। और आप भी इस प्रकार से बनाएं, आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इसका। इस प्रकार से आप भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाएं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।